अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे जितने भी फैसलाबाद के दोस्त हैं और जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं फैसलाबाद ननकाना साहिब, उन सब से मैं मुखातिब हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 18 जून 2019 बरोज़ मंगल बादस नमाज इशा 591 घंटा घर चौक गंगापुर, ये तहसील जड़ा वाला है। तो इस तहसील जड़ा वाला का गाँव घंटा घर चौक में, गंगापुर घंटाघर चौक में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है और हर साल की तरह हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करेंगे और मैं बंदा नाशीज़ वहाँ आप तमाम लोगों से मुखातिब होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स के हमारे जितने भी नौजवान हमारे साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के, वो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। और ये जिस गांव में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बारे में मशहूर था कि किसी दौर में ये कादियानियों का गढ़ समझा जाता था, वहाँ पर बड़ी तादाद में रहते थे, लेकिन बाद में इन नौजवानों ने और फिर कुछ बुज़ुर्गों ने इनका साथ दिया, इन्होंने वहाँ काम किया तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुसलमान हुए और काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि वहाँ से इलाका छोड़ के चले भी गए थे। एनी हाउ इंशाअल्लाह ताला ऐसी जगह पर जाके दोबारा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएँ बुलंद होंगी और कुफर के ऐवानों में लर्जा तारी होगा इंशाअल्लाह ताला। 18 जून 2019 घंटा घर चौक 591 जड़ा वाला, तमाम लोग तशरीफ़ लाइएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। बादज़ नमाज इशा ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अब हम रावलपिंडी से या अटक से आते हैं आप लोगों के पास, आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, पूरे ज़िले में ये खबर फैलाएँ फैसलाबाद के नानकाना साहिब और आस पास के जितने इलाकों के लोग हैं उन सबको एक्टिव करें, यह पैगाम वहाँ तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह जिस तरह पिछले कई सालों में ये बार बार हर साल ये कन्वेंशन होता था और ओपन एयर ये होते थे, कन्वेंशंस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और 8-10 हज़ार की तादाद में लोग होते थे, इंशाल्लाह इस बार तादाद पहले से डबल होनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वीडियो मैसेज डाउनलोड करके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर फॉरवर्ड कर दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।